हेलो, व्हाट्स अप, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू दिस चैट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और कुछ हमारे दोस्त हैं, हम जरा कॉल पर ले लें। वल्लाह वल्लाह अम्मा हिल्ला है। Oh my God, Shaq. How are you? तुम तो हमें भूल ही गई, Shaq. Hello? हाँ? अबे यार, तेरी किससे चैट हो रही थी अभी? मेरी अभी चैट हो रही थी पर्पल वालों से. पर्पल वालों से मेरी भी आज है, बरगंडी वालों से. किधर है तू? Right, where are you? आंटी कहाँ है? आंटी अंदर है, मम्मी अंदर। बुला ले आंटी को ही, बुला ले आंटी से बातें करते हैं। मम्मी वो कर रही है पूजा। अच्छा। मम्मी पेंडेमिक पूजा कर रही है, पेंडेमिक पूजा। यार राग्स, क्या क्या हो रहा है लाइफ में, बता ना, ये कैसे खत्म होगा? थोड़ा एक्सप्लेन करो, व्हाट इज कोरोना वायरस? देखो, कोरोना वायरस की जो जड़ है वो अभी तक पता नहीं लगी है, वो कहां से आई है। लेकिन हमारे देश को कोरोना वायरस तो देखो चले जाएगा, कोरोना तो वायरस है, हम लोग सब सेफ रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, वायरस है, सब जगह आता है, चले जाता है, हर 100 साल में आता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है हेट्रेड। अगर हमारे देश में हेट्रेड नहीं रहेगा तो पूरा घर के घर जल जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, एक दूसरे को सब मार पीट देंगे। तो मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जात पात की है, कोरोना की नहीं, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम, कोरोना आके चले जाएगा। तो कब खत्म होगा वो? कब खत्म होगा हेट्रेड? ऐसा बना रहे बस, मेरी तो यही दुआ है। अच्छा, तूने क्या स्टेप किया वो हील द वर्ल्ड वाला करके दिखाना? वो पीठ से किया मैंने। हाँ हाँ, मेरा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वो नहीं बताना अभी नहीं बताना। मेरा ऐसे खत्म होता है, मेरा ऐसे खत्म होता है और फिर तेरा स्टार्ट होता है। मैंने भी वहीं से किया एकदम पीछे से, मैंने एकदम अपनी बैक टू बैक। हाँ, इट्स बैक टू बैक, बैक टू बैक। अरे तू दिखा, तू कहाँ फार्म में रह रही है, गुजरात में दिखा तो एक बार। वाओ शक्ति, शादी के बाद ये सब मेरा हो जाएगा ना? हाँ। तुम पेपर्स रेडी रखो, तुम्हारे पापा लॉयर है ना? हाँ शक्ति, तुम बस लॉकडाउन खत्म कर दो मेरा। अब बताओ, कर देना, लाइव आओ, लाइव आओ, लाइव आओ। हमने कहा ऐसे नहीं है, दूसरों की तरह लाइव आ जाए कभी भी, हमारा स्पेशल ओकेजन होगा। हम चाहते हैं कि हमारी 1000 रिक्वेस्ट आए लोगों की, तभी हम जनता को अपना एंटरटेनमेंट देंगे। हम जनता को उकसाएं, जनता उकसित हो जाए, उकसित, और उसके बाद हम इंस्टाग्राम में विकसित हो जाए। राइट्स, तेरे घर में वो एक तेरा भाई है ना? हाँ, उसको भी बुला ले। अश्वी, वो हेडफोन लगा के पिक्चर देख रहा होगा। अच्छा शायद हम दोनों, तुम क्यों कबाब में हड्डी बनाना चाहती हो लोगों को? यार हम दोनों जब बात कर रहे हैं, तुम भाई को बुला ले, बुला ले, जीजा को बुला ले, फूफा को बुला ले, सबको सबको नमस्ते तो कर दूं मैं, अच्छी लड़की तो बन के दिखाऊं सबको। अरे नमस्ते कर दियो, अभी 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 हमारा टाइम है, नमस्ते नमस्ते प्रणाम बाद में कर लेना यार। तुम हैंड वॉश कर रही हो? क्योंकि प्लीज बिना हैंड वॉश करे मुझे करना, कहीं हमें करो ओ, क्या बोलते हैं, कोरोना ना हो जाए। कुछ मत करो ना। यार तू कितना गंद बातें तेरी। मैंने कल एक फिल्म देखी शक्ति। कौन सी? चाइना में फैल कोरोना, राजा धीरे करो ना। मैं कूद जाऊंगी। थैंक्स। कौन दिखा रहा तुझे ये सब? अबे एक ने वो व्हाट्सएप वो भेजा फॉरवर्ड, यार इतना फनी था। क्या आंटी ने सुन लिया? नहीं नहीं, पता चले आंटी अंदर बैठ के लाइव देख रही है।
पता क्या चले, देख ही रही होंगी वो, मेरे पापा ना देख ले बस, ऐसे आरती कर रही होंगी तो लाइव देख रही होंगी। हाय राम, हाय राम। राइट, सबसे ज्यादा तो मेरे पापा अगर देखेंगे तो बताएंगे। वो अंकल आंटी कहाँ है, वो बॉम्बे में कि इधर ही है? बॉम्बे में, बॉम्बे में। हाँ सही है, क्योंकि उनको अच्छा है, उनको अलग रखा हुआ है, क्योंकि फिर सही है उनकी। हाँ, वैसे रिस्क ग्रुप में है ना, रिस्क ग्रुप में। समझ गए। तो देखो शेख हमारा कहाँ गया, तो उल्टा कैसे करते होंगे यार। रुक जाओ हमारा आशिया ना उल्टा कैसे करते हैं यार। अच्छा, अरे देख नीचे नीचे एकदम राइट साइड पे नीचे। अच्छा, नीचे नीचे, रुको रुको एक मिनट रुको, ये रहा मिल गया। ये देख एक चीज दिखाता हूँ। बिग डैडीज भयंकर ठंडी बियर, ठीक है। अरे देखो वाह, और ये हमारे छोटू का स्विमिंग पूल। छोटू का स्विमिंग पूल मतलब पुधी ना धनिया। जो मैंने पौधा उगाया था वो किधर है, वो कितना बड़ा हो गया दिखाओ। तूने कौन सा पौधा उगाया था? तूने बोगनविलिया? मैंने बोगनविलिया। तेरी फोटो दिखाओ अंदर, फोटो। हाँ दिखा। रुक जा, तूने हर जगह मेरी फोटो लगा रखी है, ड्रॉर पे, आंटी के उसमें, ड्रेसर पे। देख कौन सी फोटो दिखा रहा है। ओ सॉरी, ये देख। अरे आंटी के साथ, सो क्यूट आंटी। ये बोगनविलिया। और क्या करता है तू दिन भर? वर्कआउट कर रहा है यार? आजकल तो सिर्फ डिजिटिंग कर रहा हूँ डांस में। दिखा। वर्कआउट में मैं सिर्फ पेड़ चढ़ता हूँ। हाँ। और इधर तो रनिंग कर लेता हूँ, और इधर पेड़ है, सब पेड़ चढ़ता हूँ। लीचियां आने लग गई है, लीचियां हो जाएंगी बस एक महीना, एक डेढ़ महीने में और लीची आ जाएगी। रैग्स, यहाँ पर इतने सारे मैंगोज आने वाले हैं ना, हम तो पागल हो जाएंगे यार, कसम से। बहुत इधर भी अभी मैंगो ना इतना हो रखा है, इतना बस। Shit, I shouldn't have done that. Mango आने वाला है बस। Oh my God, I'll go bananas after mangoes. Soon. There are so many coconuts. 3 तारीख को खत्म हो रहा है लॉकडाउन यहाँ पर। हाँ। और वहाँ पर कब हो रहा है, गुजरात में? अरे पूरे इंडिया में 3 मई तक है ना? नहीं बढ़ गया है ना, बॉम्बे में बढ़ गया ना। बॉम्बे तो मतलब अभी। तेरा उसके बारे में क्या विचार है, जो आजकल डिस चल रहा है? क्या चल रहा है? डिस। अबे हिप हॉप कम्युनिटी में रैपर्स के बीच में डिस बीफ ये सब होता है ना, डिस चल रहा है जैसे एमी में बंटा। तुझे पता है, आई एम अ बैलरीना बेब। तो बल्ले बल्ले करके दिखाओ। ओके, मैं बैले क्लासेस भी ज्वाइन करी है। दिखाओ। अब तुरंत बैले तो कंटिन्यू करना होता है ऐसे। गाइस, तुम लोग अगर बोर हो जाओगे तो प्लीज बता देना। कितना गंदा है बैले को, तूने बोरिंग क्यों बोला है? शायद पब्लिक को सरप्राइज दे दें। चल छोड़, नहीं देते। उनको अपना पता लग जाएगा। क्या सरप्राइज है? लॉकडाउन खुलने के बाद पता लग जाएगा उन लोगों को, पब्लिक को। मुंह में क्या आ गया मेरे? पब्लिक के इमोशन से खेलते रहो तुम बस, ऐसे ऐसे इंसान हो। पब्लिक ने भी तो हमारे इमोशन से खेला है ब्रो, हम भी तो पब्लिक के इमोशन से खेलेंगे ना बच्ची। राइट्स, ये सही है क्या, ये जो मैंने किया अभी? हाँ सही है। हाँ सही है। अश्वी आ गया। अश्वी को बुलाइयो। ओ अश्वी के मेरे से लंबे बाल हो गए। अश्वी, आप तो आजकल उछल कूद कर रहे हो, बढ़िया। गार्डन इतना बड़ा आपका इलाका है, बगीचों में रह रहे हो। बगीचों में कितने बड़े हो गए, भाग रहे हो।
राइट तू बता दे हमारे लीची हो पीछे है यशवी के बाल अच्छे लग रहे हैं यार भाई भयंकर लंबे लंबे इतना तुम रनिंग करते हो सुबह ये लॉकडाउन में तुम्हारा वाह अब उनका फॉर्म बढ़ा है ये दोबारा सही है भाई डीआईडी देखते हैं लोग शाम को चुप हो जा सारा हमें मिलने वाला है वो उधर को 10 बजे अरे 10 बजे रात को राइट्स वो आएगा जी टीवी पे हाँ डीआईडी हाँ मम्मी देख रही है आंटी देखती है मैं तो आजकल बहुत अनप्रोडक्टिव हो रखा हूँ टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल अनप्रोडक्टिव वो थॉर पता है थॉर एंड गेम में कैसा हो गया था थॉर एकदम PS4 में गेम्स खेलते रहता हूँ बिल्कुल अनप्रोडक्टिव बड़े दिनों बाद ऐसा मतलब निठल्ला घूम रहा हूँ ठीक है ना तो ये भी एंजॉय करते हैं ना मेरे भी बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिसमें एकदम भी कुछ करने का मन नहीं करता हाँ मेरे भी वही दिन चल रहे हैं पूरा कुछ मन नहीं है तो हमने अपनी मन की बात कर दी है आज भयंकर कितनी फाई दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ से चील है दिखा दिखा वो देख हाँ दिख रही है मैं जाऊंगा 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो अगर देखता हूँ खत्म हो गया तो कहाँ जाएगा ऋषिकेश वाले घर में अच्छा वहाँ रहूंगा मस्त वहाँ पर क्या जंगल है हाँ चला जा एक्चुअली तो अभी नहीं जा सकता यार मैं नहीं जाना चाहिए ना अच्छा घर में ये भी बात है ये भी बात है पहली बार तो मैंने कुछ अकलमंदी वाला काम किया लाइफ में ये भी सही बात है मुझे लग रहा था कि तू घर पे ही नहीं होगा तू दौड़ रहा होगा इधर से उधर पर यू आर बिकमिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल आई हैव टू आई एम बिकमिंग अ मैन मेंटल और भेलपुरी खाने का मन कर रहा है मेरा चल बायर मुझे एक्चुअली अंदर जाके कुछ भी नहीं करना है मैंने भेलपुरी खानी है और कोल्ड कॉफी पीनी है ओए होए मैं भी कुछ अभी बनाता हूँ मस्त आज मैंने आलू आंटी मेरे आंटी से बात करा दे तू जाने से पहले बस मम्मे जय रुको ऐसी आवाजों से तो आंटी कभी ना आए भाई इधर क्लासिकल म्यूजिक सीखता है कोई इधर पूरा मेघा वर्षा टाइप हो जाती है भाई नीति दीदी भी ऐसे ही करती है पता है तेरा नेटवर्क ही चला गया मम्मा मिली आंटी मम्मी अच्छा मीटिंग ठीक है ठीक मम्मी की मीटिंग चल रही है उसकी जो उनका वो होता है ना हाँ 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 समझ गई बुद्धिज्म वाला हाँ हाँ ओके ओके मैं बाद में करती हूँ आंटी को आयुष्मान भाई बोल रहे थे मुझे वो भी करते हैं मम्मी जो मम्मी करती है ना हाँ हाँ और वो भी करती हैं जो दीदी भी करती हैं ठीक है राइट समंदर जाके कुछ मत करो मुझे यार अंदर जाके पता है बहुत कुछ भी काम थक गया होगा ना तू काम नहीं है चल बाय यार मैं बहुत बिजी हूँ मुझे अंदर जाके बहुत कुछ भी काम नहीं है यार चल बाय बाय रैग्स बाय गाइस हैव फन कूल कॉफी खाने जा रही हूँ मैं बाय